नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित प्रश्न सभी जुडिशियरी एग्जाम जैसे RJS, MPJS, UPJS, दिल्ली जुडिशियल सर्विस तथा गुजरात जुडिशियल सर्विस तथा किसी भी प्रकार की जुडिशियल प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तथा यदि आप किसी भी प्रकार का कोई जुडिशियल एग्जाम देना चाहते हैं तो भी आपके लिए एविडेंस यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमुक स्थान पर अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक क्या है? तो दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 3 अर्थात धारा 3 के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 10 डेफिनेशंस बताई गई हैं, जिसके अंतर्गत जो सेकंड डेफिनेशन है वो तथ्य की डेफिनेशन है अर्थात फैक्ट। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट से तात्पर्य है, अभिप्रेत है या इसके अंतर्गत आते हैं ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। अर्थात यह धारा 3 के तथ्य की डेफिनेशन के दृष्टांत से पूछा गया प्रश्न है। इसका दृष्टांत 1 कहता है कि अमुक स्थान पर अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। तो यह प्रश्न धारा 3 के निर्वचन खंड से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर चारों कथन सत्य हैं, अर्थात अमुक स्थान पर अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह तथ्य है। किसी मनुष्य ने कुछ सुना, किसी ने देखा, यह भी एक तथ्य है। किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये भी तथ्य है। किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, ये भी तथ्य है। ये समस्त प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत निर्वचन खंड के अंतर्गत जो तथ्य की डेफिनेशन है, जिसकी जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत से पूछा गया प्रश्न है ये। अर्थात इसकी चारों बातें सत्य हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो पहला कथन सत्य है वह सत्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में मध्यस्थ समाहित है, ये बात असत्य है। इसके विपरीत कोई मनुष्य अमुक राय अमुक आशय रखता है, ये तथ्य है। धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी सम्मिलित है, ये भी दस्तावेज की डेफिनेशन से पूछा गया प्रश्न है। दस्तावेज की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 निर्वचन खंड के अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा न्यायालय की डेफिनेशन भी इसके अंतर्गत दी गई है, इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 3 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बताया गया कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। अर्थात सिवाय मध्यस्थ के अलावा सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंतर्गत रखे गए हैं। अर्थात जो पहला ऑप्शन है कि न्यायालय में मध्यस्थ समाहित है, ये बात असत्य है। अगला प्रश्न है कि कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब कोई तथ्य साबित नहीं हुआ ऐसा कहा जाता है, कब कहा जाता है ऐसा? जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित। यह प्रश्न धारा 3 के अंतर्गत बताए गए साबित ना साबित और साबित नहीं हुआ की डेफिनेशन से पूछे गए प्रश्न है। तो कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तभी कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन क्लोज का 9वां इंटरप्रिटेशन है कि साबित नहीं हुआ, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह ना तो साबित किया जाए और ना ही ना साबित।
ये इसका सही आंसर होगा नंबर तीन। अगला प्रश्न है कि प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ बलात्संग किया गया और उसकी हत्या भी कर दी गई। यह तथ्य उसने परिवाद किए बिना कहा। कि मेरे साथ बलात्संग किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन यह है। धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालीन कथन या धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। यह प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 से पूछा गया है, जिसके अंतर्गत दृष्टांत जे इसका दृष्टांत जे जो बताया गया है अर्थात अणे, इसके अंतर्गत ये दृष्टांत बताया गया है और कहा गया कि जब प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ बलात्संग किया गया और यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल के पश्चात उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वह परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वह शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत है। कब यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया इस अपराध के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, यद्यपि वह धारा 32 खंड 1 के अधीन मृत्युकालीन कथन या धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। तो दोस्तों यह प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 दृष्टांत अणे से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथा के बारे में किसे स्थापित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो आपराधिक अधिकार को साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 13 से पूछा गया है। धारा 13 प्रावधान करती है जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य जहां कि किसी अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है। निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है, कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी श्रेष्ठ दावाकृत उपांतरित मान्यकृत प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था, वह विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी जिनमें उनका प्रयोग विवादग्रस्त था, प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपराधिक अधिकार का प्रथा के बारे में स्थापित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वीकृति है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कथन स्वीकृति में ग्राह्य है। धारा 17 प्रावधान करती है कि स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में है, कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किया गया जो आत्मवाच्यार्थ वर्णित हैं। अर्थात स्वीकृति मौखिक हो सकती है, दस्तावेजी हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कथन भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सहस्वीकृतियों में से किसके समक्ष की गई सहस्वीकृतियों को विधिता न्यायिकतर सहस्वीकृतियां कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कि एक और दो दोनों अर्थात अभियुक्त के मित्र के समक्ष की गई सहस्वीकृति और सरकारी डॉक्टर के समक्ष की गई सहस्वीकृति विधिता न्यायिकतर सहस्वीकृतियां कहाँ कही जाती हैं। यह प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से पूछा गया है। धारा 24 प्रावधान करती है उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई सहस्वीकृति दांडिक कार्रवाइयों में कब विसंगत होती है। कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई सहस्वीकृति दांडिक कार्रवाइयों में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से किया गया और जो न्यायालय की राय में उसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए कि युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि
उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में एक रूप से कोई फायदा उठाएगा या एक रूप से किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में विधिता न्यायोत्तर से स्वीकृतियां कही जाती है, अभियुक्त के मित्र के समक्ष की गई या फिर सरकारी डॉक्टर के समक्ष अगर उसने सहस्वीकृति की है तो पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई सहस्वीकृतियां न्यायोत्तर सहस्वीकृतियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वेच्छापूर्वक की गई सहस्वीकृति साक्ष्य में तब ग्राह्य होती है जब ऐसी सहस्वीकृति अधिकारिकता युक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो। धारा 26 के अनुसार, धारा 26 प्रावधान करती है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई सहस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना, अर्थात कोई भी सहस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की है जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेंगी जबकि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। अर्थात अधिकारिकता युक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक सहस्वीकृति नहीं की जाती स्वेच्छापूर्वक, तब तक ऐसी सहस्वीकृतियां साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है कि अभियुक्त की सहस्वीकृति उसके सह अपराधी के विरुद्ध किस रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। तो केवल संपोषण साक्ष्य के रूप में उसे ग्राह्य किया जा सकता है। धारा 30 यह प्रावधान करती है कि सह अपराधी द्वारा की गई सहस्वीकृतियां संपोषक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि कै और खै को गै की हत्या करने के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है और यह साबित किया जाता है कि कै ने खै और मैंने गै की हत्या की। कै ने कहा कि खै ने और मैंने, अर्थात कै ने गै की हत्या की। कै की यह सहस्वीकृति का क्या विधिक रूप होगा? तो इसके अंतर्गत खै के विरुद्ध की गई सहस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा जबकि उसे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया जाए। तो यह प्रश्न धारा 30 के प्रथम दृष्टांत से पूछा गया प्रश्न है। धारा 30 प्रावधान करती है कि साबित सहस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करने करती है तो विचार में लेना, जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई सहस्वीकृतियों को साबित किया जाना, जब न्यायालय ऐसे सहस्वीकृतियों को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसे सहस्वीकृति करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। यह इसके प्रथम दृष्टांत से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गै की हत्या करने के लिए कै का विचारण हो रहा है और यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य की गै की हत्या कै और खै द्वारा की गई है और यह कि खै ने कहा कि कै और गै, कै और मैंने अर्थात गै ने गै की हत्या की, तो न्यायालय इस कथन को कै के विरुद्ध विचारणार्थ नहीं ले सकेगा क्योंकि खै का संयुक्ततः विचारण नहीं हो रहा। यह प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 30 के दृष्टांत सेकंड से पूछा गया प्रश्न है। इसका दृष्टांत सेकंड प्रावधान करता है कि गै की हत्या करने के लिए कै का विचारण हो रहा है और यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि गै की हत्या कै और खै द्वारा की गई थी और यह कि खै ने कहा कि कै और मैंने अर्थात गै की हत्या की, तब न्यायालय इस कथन को
क्य के विरुद्ध विचारणार्थ नहीं ले सकेगा क्योंकि क्य संयुक्ततः विचारित नहीं हो रहा है। तो यह प्रश्न इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 30 के सेकंड दृष्टांत से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सहस्वीकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत धारा 31 प्रावधान करती है और इसके अनुसार सहस्वीकृतियां निश्चयात्मक सबूत नहीं है परंतु विबंधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं। धारा 31 ये प्रावधान करती है। धारा 31 के अनुसार सहस्वीकृतियां निश्चयात्मक सबूत नहीं है किंतु विबंधन कर सकती हैं। सहस्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चयात्मक सबूत नहीं होती किंतु आत्मपश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंधन के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायालय में उपस्थित हुए बिना कुछ दशाओं में से कुछ व्यक्तियों के कथन विधिता सुसंगत माने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो न्यायालय में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है वह ये बात गलत है। इसके विपरीत जिनसे नहीं मिल सकते, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हैं या जिनकी हाजिरी बिना विलंब के नहीं हो सकती, ये समस्त बातें धारा 32 के अंतर्गत इंडियन एविडेंस एक्ट में बताई गई हैं। कुछ ऐसी दशाएं बताई गई हैं जब उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य को किया गया कथन सुसंगत होगा जो कि मर गया है या फिर जिनसे मिल नहीं सकते। अगला प्रश्न है कि क्य अपनी भूमि पर अतिचार के लिए क्य पर वाद लाता है। क्य उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार के अस्तित्व को अभिकथित करता है जिसका क्य प्रत्याख्यान करता है। क्य द्वारा गय के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में निम्नलिखित गय, जिसमें कि गय ने उसी मार्ग अधिकार के अस्तित्व को अभिकथित किया है, प्रतिवादी के पक्ष में डिग्री का अस्तित्व क्या होगा। तो इसके अंतर्गत सुसंगत होगी परंतु वह इस बात का निश्चयात्मक सबूत नहीं है कि वह मार्ग अधिकार अस्तित्व में है। प्रस्तुत प्रश्न धारा 42 के दृष्टांत से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि क्य अपनी पत्नी गय के साथ जार कर्म करने के लिए क्य का अभियोजन करता है। क्य इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि गय क्य की पत्नी है किंतु न्यायालय क्य को जार कर्म हेतु दोषी सिद्ध करता है। तत्पश्चात क्य के जीवन काल में क्य के साथ विवाह करने के लिए द्विविवाह के लिए गय अभियोजित की जाती है। गय कहती है कि वह क्य की पत्नी कभी नहीं थी। क्य के विरुद्ध दिया गया निर्णय गय के विरुद्ध किस रूप में सुसंगत होगा या विसंगत होगा। दूसरा है इसी में कि क्य का अभियोजन क्य इसलिए करता है कि उसने क्य की गाय चुराई है। क्य दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात क्य उस गाय के लिए जिसे क्य ने दोष सिद्ध होने से पूर्व गय को बेच दिया था गय पर वाद लाता है। गय के विरुद्ध यह निर्णय क्य और गय के बीच क्या होगा। तो प्रस्तुत प्रश्न में यह विसंगत होगा। प्रस्तुत प्रश्न के दोनों उदाहरण धारा 43 के दृष्टांत क्य और गय से पूछा गया प्रश्न है। धारा 43 प्रावधान करती है कि धारा 40 से लेकर 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होते हैं। इसके अंतर्गत यहां पर दृष्टांत बताए गए हैं। इन्हीं दृष्टांत में से दृष्टांत क्य और गय से पूछे गए ये प्रश्न है जो कि विसंगत होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित प्रश्न थे। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।